इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट के बारे में। हम पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक दोनों स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स हैं। इसके बारे में पहले इसके सभी कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज सप्लाई है जिसका दो रेंज दिया गया है, 1-1.5 वोल्ट। यानी जब ये यहाँ पे रहेगा तो ये 1.5 वोल्ट के रेंज का वोल्टेज मेजर करेगा, और जब इसको हम नीचे करेंगे तो ये जो वोल्ट मीटर लगा है वो 30 वोल्ट का वोल्टेज रेंज मेजर करेगा। फिर यहाँ पे है फॉरवर्ड बायस में यूज करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड, और इसमें ये दिया गया है रिवर्स बायस में यूज करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ दूसरे साइड पे ये भी वोल्टेज पावर सप्लाई ही है, लेकिन ये तब के लिए है जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे। फिर यहाँ पे ये एक मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर, इसमें दोनों इनबिल्ट है दिया गया है। जब ये नॉब ऊपर की ओर रहेगा तो इसका रेंज है 10 मिली एम्पियर, और जब ये नॉब हम नीचे की ओर करेंगे तो अब ये 100 माइक्रो एम्पियर के रेंज का करंट मेज़र करेगा। और ये जो बटन है ये इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन और ऑफ करने के लिए लगाया गया है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जो वोल्ट मीटर है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ कि इससे कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं और कैसे ये रेंज को ध्यान में रखते हुए इसका हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। कि इसमें जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये इसमें दो स्केल लिखे गए हैं, एक ऊपर आप देख पा रहे हैं और उसी के नीचे दो स्केल ये लिखा हुआ है। तो जब ये नॉब ऊपर की ओर रहेगा यानी 1.5 वोल्ट में, तब ये 0 से लेके 1.5 के रेंज का वोल्टेज मेजर करेगा। यानी इस समय हम जब इसका रीडिंग लिखेंगे तो हम ऊपर वाले स्केल को ध्यान देंगे, और जब ये नीचे की ओर 30 वोल्ट पे सेट रहेगा तो हम ये 0, 5, 10, 15 और ये लास्ट में 13, यानी 0 से लेके 30 वोल्ट का जो रेंज है हम उसको ध्यान देंगे। तो मैं आपको इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना और रीडिंग लेना समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ 1.5 वोल्ट पे, और यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए ये वोल्टेज यहाँ पे है तो हम इस वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे। देखिए हमारा रेंज है 1.5 वोल्ट पे, तो यानी हमें ऊपर वाले स्केल को ध्यान देना होगा जो 0 से 1.5 वोल्ट के रेंज में लिखा हुआ है। तो अब इस रेंज के लिए हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट क्या आएगा, देखिए यहाँ से 0 से 0.25 जाने में इसमें 10 स्मॉल डिवीजन बने हुए हैं। आप लोग ऊपर वाले स्केल को ध्यान दीजिएगा, ये जो 0.25 लिखा है तो 0 से 0.25 के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन बने हुए हैं। यानी एक स्मॉल डिवीजन का मान कितना हो गया, एक स्मॉल डिवीजन का मान हो गया 0.25/10, यानी ये हो गया 0.025। इसका मतलब इस समय एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.025 वोल्ट को मेज़र करता है। तो आप देखिए इस समय जो इसका ये जो सुई है ये कितने खाने पे है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवें खाने पे है। तो इस समय ये मान बता रहा है 7 × 0.025 वोल्ट। इस प्रकार से हम इस मान को लिखेंगे। अब मैं एक और वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लीजिए ये कहीं यहाँ पे इस प्रकार से ये सेट है, तो अब हम इस केस में कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखने का दो तरीका है। पहला, अगर आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लेना चाहते हैं और स्मॉल डिवीजन को ही केवल काउंट करना चाहते हैं तो फिर 0 से शुरू करिए। 0 से आप पूरा यहाँ तक अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन काउंट करेंगे तो ये आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 और 17 के बीच में है तो मैं इसको 16 मान लेता हूँ। तो इसको लिखने का अब यहाँ से दो तरीका है। तो या तो आप लिखिए 16 × 0.025 वोल्ट, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ तक का 0.25 तो आप लिख दीजिए। यानी इसको लिखने का एक और तरीका हुआ 0.25
प्लस। इसके बाद देख लीजिए कि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो ये छोटे छोटे डिवीजन है कितने क्रॉस किए गए हैं। तो अब इसके बाद से गिनना शुरू करेंगे 0.25 के आगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको लिखेंगे 0.25 वोल्ट प्लस 6 इंटू 0.025 वोल्ट। तो इसको जब हम ऐड करेंगे फाइनल तो ये इसी मान के बराबर आएगा। आप दोनों तरीके से अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं एक रीडिंग और लेता हूँ एट रैंडम। देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे सेट है, तो इस समय इस मान को हम क्या लिखेंगे। अगर आप केवल स्मॉल डिवीजन को काउंट करना चाहते हैं तो फिर आपको जीरो से लेके पूरा यहाँ तक का स्मॉल डिवीजन काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 20, ये हो गया 30, फिर 31, 32, 33, ये 33, यानी छोटे छोटे डिवीज़न हम काउंट करेंगे तो 33 डिवीज़न आएंगे। तो ये मान हो गया 33 गुड़े इसका लिस्ट काउंट इस समय जो है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप जीरो से मत शुरू करिए। देखिए ऊपर वाले स्केल में यहाँ 0.75 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ तक आप 0.75 अगर लिख देते हैं तो फिर इधर का आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 0.75 के बाद देख लीजिए कितने स्मॉल डिवीज़न आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, यानी 0.75 प्लस 3 इंटू लिस्ट काउंट 0.025 वोल्ट, ये इसका फाइनल वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे जब इसका रेंज 1.5 वोल्ट पे फिक्स होगा। अब मैं इसका रेंज चेंज कर देता हूँ 30 वोल्ट के रेंज में। ठीक है, देखिए 30 वोल्ट के रेंज में सेट कर दिए, तो अब आपको ये ऊपर वाला स्केल नहीं देखना होगा। अब आपको 30 वोल्ट के रेंज का स्केल, यानी ये जो नीचे लिखा है 0, 5, 10, ये वाला स्केल देखना होगा। तो इस केस में अब इसका लिस्ट काउंट चेंज कर जाएगा। तो देखिए इस केस में इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, देखिए यहाँ 0 से लेके 5 जाने में 10 स्मॉल डिवीज़न है, तो एक स्मॉल डिवीज़न का मान कितना हो गया, एक स्मॉल डिवीज़न का मान हो गया 5/10, यानी ये आएगा 0.5 वोल्ट। अब हमें अगर लिस्ट काउंट पता चल गया 0.5 वोल्ट इस केस में है, तो अब हम कोई भी मान मेजर कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं इसको बढ़ा के ये यहाँ पे इस समय सेट है, तो इस समय अगर यहाँ पे सेट है तो ये कितना बता रहा है, ये जीरो से शुरू करेंगे 1, 2, 3 डिवीज़न पे है, तो 3 इंटू इस केस में जो लिस्ट काउंट है वो 0.5 इतना वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ये सुई इधर कहीं आगे है, तो उस केस में भी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो जीरो से पूरा मेजर करिए या फिर जितना तक है उतना तक लिख के उसके बाद के स्मॉल डिवीज़न का लिस्ट काउंट में गुणा करके ऐड कर दीजिए, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार से हम ये जो एमीटर या माइक्रो एमीटर लगा हुआ है इसमें हम देखेंगे कि कैसे रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी देखिए दो स्केल दिए गए हैं, ऊपर वाले स्केल को अगर आप ध्यान देंगे तो ये 0, 2, 4, 6, ये पूरा रेंज है 10 मिली एम्पियर का, जबकि जो नीचे का स्केल है वो माइक्रो एम्पियर का है 0, 20, 40, और ये इसका रेंज है 100। तो अगर नॉब ये ऊपर की ओर है, देखिए ये अगर ऊपर की ओर है तो इस समय ये 10 मिली एम्पियर के रेंज का स्केल बता रहा है, यानी हम ऊपर वाले स्केल को देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, और जब ये नॉब नीचे की ओर होगा तो ये 100 माइक्रो एम्पियर यानी नीचे वाले स्केल को हम ध्यान देंगे। तो इसमें भी हम लिस्ट काउंट निकालते हैं, तो मैं पहले नॉब को 10 मिली एम्पियर के रेंज पे सेट कर देता हूँ, तो इसका लिस्ट काउंट इस केस में कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर वाले स्केल को ध्यान दीजिएगा, 0 से 2 मिली एम्पियर जाने में 10 स्मॉल डिवीज़न हैं इसके बीच में, तो एक स्मॉल डिवीज़न का मान कितना हो गया, तो एक स्मॉल डिवीज़न का मान हो जाएगा 2/10 यानी 0.2 मिली एम्पियर। तो अब अगर कोई हमें इसमें मान लीजिए कोई डाटा कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं ये नॉब सेट है, यहाँ पे सेट है, तो इस डाटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस डाटा को कैलकुलेट करने के लिए देखिए आप इसको जो यहाँ पे सुई है उसका डिवीज़न गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे पे है, तो इसका मान क्या हो गया, 6 इंटू एक स्मॉल डिवीज़न का मान 0.2 मिली
एम्पियर, इतना हो गया इसका मान। अब मान लीजिए मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, अगर ये नॉब इधर कहीं सेट है तब इसको हम कैसे लेंगे, तो इसका भी देखिए लेने का मान दो तरीका है। सबसे पहले अगर आप केवल स्मॉलेस्ट डिवीज़न को ध्यान देना चाहते हैं तो आप जीरो से पूरा कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 10, यहाँ तक 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो इसका मान हो जाएगा 27 × 0.2 mA। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ तक का जो स्केल है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 4 mA, यहाँ तक ऑलरेडी है, यानी जब यहाँ से शुरू करेंगे तो अब पीछे का मान हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब यहाँ से लेना शुरू करेंगे तो ये आएगा 4, उसके बाद कितने डिवीज़न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको लिखने का तरीका हो सकता है 4 mA प्लस 7 डिवीज़न का मान 7 × list count 0.2 mA। इसको हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि आप 10, 20, 25, 26, 27, जितना कि 27 divisions × 0.2 mA, ये दोनों का मान सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर जब हम इसको नीचे के नॉब पे सेट कर देते हैं तो अब ये स्केल हो गया माइक्रो एम्पियर के रेंज का। तो ऐसे में हम सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जब ये 100 माइक्रो एम्पियर के स्केल पे है तो अब हम नीचे वाले स्केल को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ 0 से 20 माइक्रो एम्पियर जाने में 10 स्मॉल डिवीज़न बने हुए हैं, तो एक स्मॉल डिवीज़न का मान कितना हो गया, एक स्मॉल डिवीज़न का मान हो गया 20/10, यानी 2 माइक्रो एम्पियर। तो अब हम इसमें कोई ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये यहाँ पे सेट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसकी वैल्यू हम जीरो से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये छठे डिवीज़न पे है, तो इसका मान हो गया 6 × 2 μA, यानी 12 μA हो गया। अब मान लीजिए ये कहीं इधर बीच में है इस साइड इधर, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको कैलकुलेट करने का वही दो तरीका है, अगर केवल स्मॉल डिवीज़न को गिनना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करिए ज़ीरो से, देखिए यहाँ तक आया 10, यहाँ तक 20, यहाँ तक 30, यहाँ तक 40, ये 41 और ये 42, 42 डिवीज़न पे है, तो इसका मान हो गया 42 × 2, ये आ जाएगा 84 μA। या फिर दूसरा तरीका आपके पास है कि देखिए यहाँ तक 80 μA तो पहले ही बता रहा है, तो अगर यहीं से शुरू करते हैं तो अब पीछे का मान आपको नहीं ध्यान देना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 80 प्लस, उसके बाद कितने डिवीज़न है, 2 डिवीज़न तक और गया है, 81 82, लेकिन अब यहाँ पे 1, 2 बोलेंगे, तो यानी 2 डिवीज़न और 1 डिवीज़न का मान 2 है, तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 84 μA ही आएगा। तो इस प्रकार से हम इससे करेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना एक्सपेरिमेंट। देखिए हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द वोल्टेज करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ए पीएन जंक्शन डायोड, मिलीएमीटर, वोल्टमीटर, माइक्रोएमीटर, पावर सप्लाई एंड कनेक्शन वायर्स। तो हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड किट है, इसमें हमारा फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायस के लिए सप्लाई और रिवर्स बायस के लिए सप्लाई दिया हुआ है, और उसके अलावा एक वोल्टमीटर है और एक मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर, इसी में दोनों रेंज इनबिल्ट है। जब हम नॉब को 10 mA पे करेंगे तो ये मिली एमीटर बन जाएगा, और जब 100 μA पे करेंगे तो ये 100 μA रेंज का करंट मेजर करेगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए हम
सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर मेंशन करेंगे। तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, देखिए हमें फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम इस नॉब को 1.5 वोल्ट पे सेट कर देंगे, और इस दौरान जब हम इसका स्केल देखेंगे तो हम ऊपर वाला स्केल ध्यान देंगे जब इसका रेंज 0 से 1.5 वोल्ट का है। तो अब इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 से ऊपर वाले स्केल में 0.25 वोल्ट जाने में 10 डिवीजन क्रॉस किया है, तो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का मान आ जाएगा 0.25 / 10, यानी इसको हम लिखेंगे लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.025 वोल्ट। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर के लिए फिर से हम इसको 10 मिली एम्पियर के रेंज पे सेट करेंगे। तो अब हमारा स्केल जो वर्क करेगा वो ऊपर वाला स्केल वर्क करेगा, यानी 0 से 10 मिली एम्पियर का रेंज। तो देखिए यहाँ पे 0 से 2 मिली एम्पियर जाने में इसके बीच में 10 स्मॉल डिवीजन बने हुए हैं, तो एक स्मॉल डिवीजन का मान हो जाएगा 2/10, यानी 0.2 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार हमारे वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट आ गया 0.25 वोल्ट, और मिली एमीटर का लिस्ट काउंट आ गया 0.2 मिली एम्पियर। और अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल, तो एक तरफ ऑब्जर्वेशन टेबल में फॉरवर्ड वोल्टेज है और फॉरवर्ड करेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला पार्ट ही करेंगे, देखिए ये पहले पार्ट के लिए हमारा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट डायग्राम है। इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार हम सबसे पहले अपना सर्किट जोड़ते हैं। तो हम सर्किट जोड़ना सीखते हैं, देखिए यहाँ पे सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से गया है पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल में, तो यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई में एक वायर लेके हम पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल से जोड़ देंगे। यानी देखिए हमारा ये वाला जो कनेक्शन है वो पूरा हो गया। अब हम एन वाला टर्मिनल, पीएन जंक्शन डायोड का एन वाला टर्मिनल मिली एमीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यानी ये एन वाला टर्मिनल यहाँ से लेके हम इसको मिली एमीटर के इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए ये जो मिली एमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है इधर, ये इसी वापस घूम के इसी बैटरी के नेगेटिव से आके जुड़ गया है, तो यहाँ से हम ये एक टर्मिनल यहाँ से लेके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये सर्किट कंप्लीट हो गया, पर अभी भी हमें इस सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस इस सर्किट के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। आप लोग जानते होंगे कि मिली एमीटर जब भी लगाया जाता है वो सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर जब भी लगाया जाता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में हम ये वोल्ट मीटर लगाएंगे और सीरीज में ये मिली एमीटर। तो यहाँ से हम लोग दो वायर लेंगे, एक वायर पॉजिटिव से वोल्ट मीटर के पैरेलल में पॉजिटिव से, और ये यहाँ से एक वायर लेके हम लोग जोड़ देंगे मीटर के नेगेटिव से। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, यानी हम इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉरवर्ड करेंट मिलेगा उसका वैल्यू यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम इस ऑपरेटर्स को ऑन कर देते हैं और यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे और करंट का रीडिंग नोट करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा वोल्टेज बढ़ने लगा। हम सबसे पहले इस नॉब को सेट कर देते हैं यहाँ पे एक स्मॉल डिवीजन, तो ये हमने एक स्मॉल डिवीजन पे इसको सेट कर दिया। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल में जो वोल्टेज लिखेंगे, हमारा इस समय वोल्टेज एक स्मॉल डिवीजन केवल क्रॉस किया है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो फिल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक स्मॉल डिवीजन इनटू एक स्मॉल डिवीजन का लिस्ट काउंट कितना था 0.025 वोल्ट। इस दौरान करेंट हमारा ज़ीरो है क्योंकि अभी भी ये ट्रांजिस्टर जो पीएन जंक्शन डायोड है अभी इसमें कोई करंट नहीं बता रहा है। फिर इसके बाद हम इसको फिर से बढ़ाएंगे, एक डिवीजन और मैंने बढ़ाया तब भी करंट नहीं बढ़ा, तो अभी भी हम वोल्टेज हमारा लिखेंगे दो पे, यानी 2 × 0.25, और करंट अभी भी ज़ीरो है। इसी प्रकार से हम इसको बढ़ाते रहेंगे
इस प्रकार से देखिए, ये मैं बढ़ा रहा हूँ और ये यहाँ पे हमारा 0.5 वोल्ट पे आ चुका है। तो 0.5 वोल्ट पे अभी भी जो करंट है वो ज़ीरो बता रहा है, यानी ये इस पूरे रेंज में हमारा जब या तो इसको 0.5 वोल्ट लिखिए, नहीं तो स्मॉल डिवीज़न में अगर गिनना चाहते हैं तो यहाँ पे 20 डिवीज़न गुड़े, यानी इसको लिखने का वही दो तरीका है, अगर स्मॉल डिवीज़न में लिखेंगे तो 20 गुड़े 0.025, या फिर एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये एकदम बिल्कुल 0.5 पे सेट है, तो हम इसको सीधे 0.5 वोल्ट भी लिख सकते हैं, ये दोनों मान सेम आएगा। अगर आप 20 गुड़े 0.025 निकालते हैं तो ये भी 0.5 वोल्ट ही आएगा, आप किसी भी एक मान को लिखिएगा। इस पे भी करंट अभी भी ज़ीरो है। अब हम जैसे ही इसके बाद वोल्टेज बढ़ाते हैं, दो डिवीज़न और क्रॉस कर दिए, देखिए अब हमारा करंट इसमें शो करने लगा। तो इस समय जो हमारा वैल्यू है वोल्टेज का वो है 0.5 वोल्ट तक तो इसमें शो ही कर रहा है, इसके बाद दो और स्मॉल डिवीज़न क्रॉस किया है, तो हम इसको लिखेंगे 0.5 वोल्ट प्लस दो डिवीज़न इंटू 0.025, जितना भी आएगा उसको जोड़ के फाइनल लिख देंगे। इस समय करेंट में दो डिवीज़न क्रॉस किया है, दो स्मॉल डिवीज़न क्रॉस किया है, तो एक स्मॉल डिवीज़न का मान इस समय 0.2 है, तो दो का कितना हो जाएगा, दो गुड़े 0.2 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे और वेरियस वोल्टेज के वैल्यू पे हम करेंट की वैल्यू नोट करेंगे और अपना ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से ये मैंने पूरा रेंज बढ़ा दिया और इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट करेंगे, रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले हम लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर मेंशन करेंगे, फिर लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रो एमीटर। तो रिवर्स बायस के लिए मैं इसका रेंज 30 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को ऑपरेट कराने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस दौरान इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा। अब हम 30 वोल्ट के रेंज में इसको रखे हैं तो नीचे का स्केल यूज़ करेंगे, यानी 0 से 30 वोल्ट का, तो उस केस में इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, देखिए 0 से 5 वोल्ट जाने में 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न का मान हो जाएगा 5/10, यानी 0.5 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट हो गया। वहीं इसमें हम माइक्रो एम्पियर में सेट करेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर का रेंज का होता है, तो इसको हम 100 माइक्रो एम्पियर के रेंज पे सेट कर देंगे। तो अब हम नीचे का स्केल यूज करेंगे, यानी 0 से 100 माइक्रो एम्पियर का, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 20 जाने में 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न का मान कितना हो जाएगा, 20/10, यानी 2 माइक्रो एम्पियर। तो इस प्रकार से हमारे वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट आ गया 0.5 वोल्ट, और माइक्रो एमीटर का जो लिस्ट काउंट आया वो 2 माइक्रो एम्पियर आ गया। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम जोड़ते हैं। देखिए ये है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट डायग्राम। तो रिवर्स बायस में आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ेंगे और नेगेटिव टर्मिनल पी से जुड़ा रहता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका सर्किट कनेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमें ले जाके जोड़ना है एन से, तो यहाँ से रिवर्स बायस में हम ये वाला बैटरी यूज करेंगे, तो यहाँ से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम ले जाके जोड़ेंगे। इस रिवर्स बायस के लिए पीएन जंक्शन डायोड ये वाला यूज करना है, तो इसके हम एन में जोड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा वायर लेंगे जो कि पी से होके जाएगा माइक्रो एम्पियर के एक सिरे में, यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद माइक्रो एमीटर का दूसरा सिरा ये फिर से बैटरी के नेगेटिव सिरे से, देखिए यहाँ से ये दूसरा सिरा फिर से ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से जाके जुड़ गया है, तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट करके इस बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ देंगे। तो ये तो इतना सर्किट कंप्लीट हो गया।
यानी हमने करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक माइक्रो एमिटर लगा दिया, लेकिन अभी भी इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए इस रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस हमें इस सर्किट के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाना होगा। तो पैरेलल में वोल्टमीटर लगाने के लिए हम दो वायर लेते हैं और यहाँ से इसका एक पॉजिटिव सिरा इस वोल्टमीटर के इसमें और इसका ये नेगेटिव सिरा यहाँ से इसके नेगेटिव में, यानी ये बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा ये यहाँ से इस वोल्टमीटर के पॉजिटिव और यहाँ से ये नेगेटिव सिरा यहाँ से ये वोल्टमीटर के नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार ये हमारा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए इस सर्किट को ऑन कर देते हैं। तो अब हम इसमें वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे जो शो करेगा वो, और उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट करते रहेंगे। देखिए इस प्रकार से मैं ये वोल्टेज बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा दो डिवीज़न बढ़ा है। दो डिवीज़न का मतलब हुआ दो स्मॉल डिवीज़न, यानी दो गुणे एक डिवीज़न का मान जो कि इसका लिस्ट काउंट होता है हो जाएगा 2 × 0.5 वोल्ट। उस पर अभी भी करंट ज़ीरो शो कर रहा है। फिर से हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे इतना बढ़ा दिया। देखिए इतना बढ़ाने के बाद लगभग अब जाके एक डिवीज़न इसमें करंट बढ़ा है, क्योंकि रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें करंट काफ़ी कम फ्लो करता है, वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज में ये 5 वोल्ट शो कर रहा है, नीचे का स्केल देंगे यानी 5 वोल्ट पे जो करंट मिल रहा है वो एक स्मॉल डिवीज़न गया है। तो एक स्मॉल डिवीज़न का मान हुआ 2 माइक्रो एम्पियर, तो 5 वोल्ट पे 2 माइक्रो एम्पियर। इसी प्रकार हम वो ये वोल्टेज और बढ़ा देते हैं। देखिए मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया, तो इस समय ये वोल्टेज बता रहा है 5 वोल्ट बता रहा है, उसके बाद 4 और डिवीज़न क्रॉस किया है, तो हमारा वोल्टेज हो जाएगा 5 वोल्ट + 4 डिवीज़न का कितना हो जाएगा 4 × लिस्ट काउंट 0.5 वोल्ट। इतना वोल्टेज पे जो करंट इसमें शो कर रहा है यहाँ पे केवल और केवल 3 स्मॉल डिवीज़न क्रॉस किया है, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 माइक्रो एम्पियर करंट बता रहा है। तो इसी प्रकार से हम ये वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो करंट मिल रहा है रिवर्स करंट, इसकी वैल्यू नोट करते रहेंगे। कम से कम 10 से 12 रीडिंग हमें लेना होगा, क्योंकि हमें इसका रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक साइड फॉरवर्ड वोल्टेज है और दूसरे साइड फॉरवर्ड करंट है। मैं बारी बारी सभी डाटा बोलूँगा और आप लोगों की स्क्रीन पर जब ये डाटा मैं ले रहा था तो उसका मैं क्लिप इमेज क्लिप आपके स्क्रीन पे आएगा, आप लोग वहाँ से उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो पहला 1 डिवीज़न जब मैंने वोल्टेज पे बढ़ाया 1 डिवीज़न 0.025 लिस्ट काउंट, तो यानी 0.025 वोल्टेज पे अभी भी मिलीमीटर में कोई भी करंट नहीं बता रहा है, यानी 0 × 0.2 ये लिस्ट काउंट 0। सेकेंड डाटा जब 2 डिवीज़न यानी 2 × 0.025 यानी 0.05 वोल्टेज पे अभी भी करंट 0 बता रहा है। तीसरा रीडिंग 20 डिवीज़न जब मैंने वोल्टेज पे बढ़ाया, यानी 20 1 डिवीज़न का लिस्ट काउंट 0.025, तो 0.5 वोल्ट पे अभी भी करंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ उसमें अभी भी करंट 0 है। आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके आप ये रीडिंग वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.5 वोल्ट और उसके बाद 2 डिवीज़न और क्रॉस किया है, तो 2 डिवीज़न का मान हुआ 2 × 0.025 यानी 0.55 वोल्ट पे अभी भी जो करंट है 1 डिवीज़न बढ़ा है, यानी 1 × लिस्ट काउंट 0.2 यानी 0.2 मिली एम्पियर। उसी प्रकार नेक्स्ट 0.5 वोल्ट के बाद 4 × 0.025 यानी 0.6 वोल्ट पे करंट मिल रहा है, 2 डिवीज़न इसमें मिली एम्पियर में आगे बढ़ा है, तो 2 × 0.2 यानी 0.4 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 0.5 + 6 डिवीज़न उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 6 डिवीज़न और आगे है, तो 6 डिवीज़न और 1 डिवीज़न का मान 0.025, तो ये टोटल आ जाएगा 0.65 यानी 0.65 वोल्ट पे। आप मिली एमीटर वाले में देख रहे होंगे कि 4 × 0.2 यानी 4 डिवीज़न और 1 डिवीज़न का मान 0.2 यानी 0.8 मिली एम्पियर। उसी प्रकार नेक्स्ट रीडिंग है 0.75 पे है, अब इस पे
0.75 पे ही है, यानी इसके आगे कोई डिवीजन नहीं बढ़ा है, तो 0.75 प्लस 0 इंटू 0.025 यानी 0.75 पे हमारा करंट कितना है, इसमें भी आप देख रहे हैं 2 पे, एग्जैक्ट 2 पे है, 2 मिली एम्पियर पे है, उसके बाद कोई डिवीजन नहीं क्रॉस किया है, तो 0 इंटू 0.2 यानी 2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट रीडिंग है 0.75 प्लस उसके बाद 5 डिवीजन है, तो 5 इंटू 0.025 बराबर 0.875 आएगा। और मिली एम्पियर में आप देख पा रहे होंगे कि 2 मिली एम्पियर के बाद 8 डिवीजन क्रॉस किया है, तो 8 गुड़े 0.2 यानी 3.6 मिली एम्पियर। नेक्स्ट अब देख रहे हैं इसमें 1 वोल्ट के बाद ये बिल्कुल 1 वोल्ट पे है, कोई भी डिवीजन आगे क्रॉस नहीं किया है, तो 1 प्लस 0 इंटू 0.025 यानी 1 इसमें वोल्ट, 1 वोल्ट पे यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें कि 4 मिली एम्पियर के बाद 7 डिवीजन और क्रॉस किया है, तो 7 इंटू 0.2 यानी 5.4 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 1 वोल्ट के बाद वोल्टेज वाले में 4 डिवीजन और क्रॉस किया है, तो 4 गुड़े 1 डिवीजन का मान 0.025 यानी 1.10 वोल्ट पे करंट वाले सेगमेंट में आप देख पा रहे होंगे 6 मिली एम्पियर के बाद 4 डिवीजन और क्रॉस किया है, यानी 4 इंटू 0.2 यानी 6.8 मिली एम्पियर। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे, अब देखिए इसमें 1 वोल्ट के बाद 8 डिवीजन यानी 1 प्लस 8 डिवीजन, 1 डिवीजन का लिस्ट काउंट 0.025 यानी 1.20 वोल्ट पे इस बार करंट कितना मिल रहा है, 8 मिली एम्पियर के बाद 1 डिवीजन केवल क्रॉस किया है, तो 1 इंटू 0.2 यानी 8.2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 1.25 प्लस अब इसमें 1.25 पे ही है, उसके बाद कोई डिवीजन नहीं क्रॉस किया है, तो 0 इंटू 0.025 यानी 1.25 पे अब ये करंट मिल रहा है 8 मिली एम्पियर यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके बाद 6 डिवीजन और है छोटा डिवीजन, तो 6 गुड़े 1 छोटे डिवीजन का मान 0.2 यानी 9.2 मिली एम्पियर। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स का डाटा है, मैंने इसका ग्राफ भी बना लिया है, तो आप पहले इसका ग्राफ देख लीजिए फिर रिवर्स बायस का हम लोग देखते हैं। देखिए ये है ग्राफ पेपर, सबसे पहले आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इस तरह से लिखने के बाद एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लेंगे, वाई एक्सिस पे करंट ले लेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें स्केल मेंशन करना होगा, तो स्केल में मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर यानी ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये पूरा ये एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर होता है और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर होता है, 1 स्क्वायर बड़ा वाला, तो 1 सेंटीमीटर या 1 बॉक्स लिख सकते हैं, ये 0.1 वोल्ट मैंने माना है और वाई एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर यानी 1 बॉक्स हमने माना है 1 मिली एम्पियर का, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का VI यानी वोल्टेज एम्पियर या वोल्टेज करेंट करेक्टरिस्टिक्स कर्व है। तो इस प्रकार से मैं सभी डाटा को यहाँ पे प्लॉट किया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए पहला रीडिंग है 0.025, इस पर करेंट अभी भी 0 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्मॉलेस्ट खाना 0.1 का है, तो 0.025 यहाँ पे कहीं पड़ेगा और यहाँ पे करेंट 0 है, तो पहले दोनों रीडिंग पे करेंट 0 है। फिर तीसरा रीडिंग है 0.5, तो हमारा ये 0.1 0.2 0.3 0.4 और यहाँ पे ये 0.5, तो 0.5 पे अभी भी जो करंट है वो हमारा 0 ही है, तो 0.5 पे भी करंट यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 0। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है 0.55 यानी ये नेक्स्ट रीडिंग है 0.55 और उस पे जो करंट है वो 0.2 है, तो देखिए ये 0.5 और इसके मिडिल पॉइंट पे आएंगे तो 0.5 और यहाँ पे करंट हमारा 0.2, तो देखिए हमने इस पर 1 सेंटीमीटर माना है तो एक मिली एम्पियर माना है, तो एक स्मॉलेस्ट 0.1 का हुआ, तो 0.2 के लिए 0.2 यहाँ पे ये आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट 0.6 पे जो करंट बता रहा है 0.4, तो 0.6 ये है, फिर 0.4 यानी 1 2 3 4 ऊपर वाई एक्सिस के ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 0.65, तो ये 0.6 है, बीच में यहाँ पे 0.65 होगा यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0.65 होगा, उसके बाद करंट है 0.8, तो हम लोग 8 स्मॉल डिवीजन 0.1 का ऊपर वाई एक्सिस के लॉन्ग बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 0.8। इसी प्रकार नेक्स्ट है 0.75, यहाँ पे हमारा करंट बता रहा है यहाँ पे 2 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे सीधे आप देख पा रहे होंगे 0.75 पे 2 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गए। इसी प्रकार हम सभी पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे इसमें, तो ये हमारा इस प्रकार से कर्व मिलेगा।
और हम इसको बिल्कुल एकदम फ्री हैंड से यहाँ से सभी रीडिंग को लेते हुए एक इस प्रकार से ये कर्व यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। तो ये है हमारा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो जल्दी से हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं इसी तरह से। ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लिया है, इधर रिवर्स वोल्टेज है, इधर रिवर्स करंट है, ये वोल्ट में, ये माइक्रो एम्पियर में। तो इसमें भी मैं सभी रीडिंग जल्दी से बोल देता हूँ और उसके करेस्पॉन्डिंग जो वोल्ट मीटर और माइक्रो एमीटर पे जो रीडिंग है वो आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके वो रीडिंग मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं सभी डाटा। तो पहला 2 × 0.5 यानी 1 वोल्ट पे अभी भी हमारा करेंट 0 है। दूसरा डाटा है 8 डिवीज़न, 8 × 0.5 यानी 4 वोल्ट पे जो हमारा करंट 1 डिवीज़न क्रॉस किया है, तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न 2 माइक्रो एम्पियर का है, तो यानी 4 वोल्ट पे 2 माइक्रो एम्पियर का करंट मिलेगा। नेक्स्ट वोल्टमीटर में आप देख सकते हैं 5 वोल्ट के बाद 3 डिवीज़न क्रॉस किया है, तो 5 वोल्ट प्लस 3 और 1 डिवीज़न स्मॉलेस्ट डिवीज़न का लीस्ट काउंट 0.5, तो ये टोटल आ जाएगा 6.5 वोल्ट पे। अब हमारा माइक्रो एम्पियर के में आप देखेंगे 2 डिवीज़न क्रॉस किया है, तो 2 और 1 डिवीज़न का मान 2 लीस्ट काउंट, तो ये 4 माइक्रो एम्पियर। उसी प्रकार 10 वोल्ट के बाद 4 डिवीज़न यानी ये कैलकुलेट करेंगे 12 वोल्ट पे हमारा आया है, 5 डिवीज़न क्रॉस किया है, तो 5, 1 डिवीज़न का मान 5 × 10 10 माइक्रो एम्पियर। इसी प्रकार 15 नेक्स्ट रीडिंग है, 15 वोल्ट पे हमारा करेंट बता रहा है 20। नेक्स्ट है 17.5 पे करेंट 36। नेक्स्ट है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट के बाद आप देख रहे हैं कोई डिवीज़न नहीं बता रहा है, 20 वोल्ट पे ये है, तो 20 वोल्ट और 40 माइक्रो एम्पियर के बाद इसमें 7 डिवीज़न बढ़े हैं, तो 7 × 2 यानी ये टोटल 54 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट 20 के बाद 2 डिवीज़न बढ़ा है 0.5 यानी 21 वोल्ट पे 60 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट रीडिंग है 22.5 वोल्ट पे, ये देखिएगा आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है रीडिंग, ये आएगा 70 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट देख रहे होंगे 20 वोल्ट के बाद 8 डिवीज़न क्रॉस किया है, तो 8 × 0.5 यानी 24 वोल्ट पे 80 माइक्रो एम्पियर यानी 80 माइक्रो एम्पियर के बाद देख पा रहे हैं कोई भी डिवीज़न क्रॉस नहीं किया है, तो 0 × 2 यानी 80 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट 25 वोल्ट के बाद आप देख पा रहे हो कोई डिवीज़न नहीं क्रॉस किया है, तो 0 × 0.5 यानी 25 वोल्ट पे ये 80 प्लस 4 डिवीज़न इसमें दिखा रहा है, तो 4 × 2 यानी ये 88 माइक्रो एम्पियर। लास्ट रीडिंग 25 वोल्ट के बाद 3 डिवीज़न क्रॉस किया है, तो 3 × 0.5 यानी 26.5 वोल्ट पे 100 के बाद, ये 100 पे है उसके बाद तो डिवीज़न है ही नहीं, तो 0 × 2 यानी 100 माइक्रो एम्पियर। तो ये इस प्रकार से ये मैंने इसका ग्राफ भी बना लिया है। तो ये है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें में भी हम लोग वाई एक्सिस पे करंट लिए हैं रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में, तो ये ग्राफ हमने थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया है और एक्स एक्सिस पे हमने रिवर्स वोल्टेज लिया है। तो सबसे पहले स्केल मेंशन करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट का माना है, वाई एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर 10 माइक्रो एम्पियर का हमने माना है। तो इस प्रकार से आप इसका देख लीजिए रीडिंग, इसका ग्राफ जल्दी से। तो देखिए आप पहला रीडिंग क्या है 1 वोल्ट, तो ये देखिए 1 वोल्ट पे अभी भी करंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 है। 1 वोल्ट पे करंट यहाँ पे 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है, तो ये बीच में 1 वोल्ट होगा और करंट 0 है वाई एक्सिस पे नीचे की ओर। तो ये हमारा यहाँ पे पहला डाटा हो गया। दूसरा डाटा क्या है, 4 वोल्ट पे करंट है 2, तो ये देखिए ये 4 वोल्ट फिर करंट है 2, ये देखिए एक बड़ा खाना 10 का है तो छोटा 1 का होगा, यानी 4 वोल्ट पे 2 छोटा डिवीज़न ऊपर बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट रीडिंग है 6.5 वोल्ट पे करंट है 4, तो देखिए 6 और उसके बाद ये एक एक खाना छोटा वाला 0.2 का है, तो 2 बढ़ेंगे तो 6.4 आएगा, उसी के बीच में मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये 6.5 पे ये जो करंट हमारा है आ गया, 6.5 पे करंट है 4, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 इधर। नेक्स्ट है 12 वोल्ट पे करंट है 10, तो 12 वोल्ट पे देखिए यहाँ पे ये है 12 वोल्ट और करंट कितना है 10, तो ये बिल्कुल 12 वोल्ट और ये यहाँ पे ये करंट हो गया आई एक्सिस पे देखेंगे तो ये 10 वोल्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट रीडिंग है 15 वोल्ट पे करंट है 20, तो ये है 14, ये बीच में आएगा ये 15 उसके बाद 16, तो 15 पे करंट कितना है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 20, यहाँ पे ये 20, 15 पे यहाँ पे ये 20। तो इस प्रकार से हम ये सभी डाटा का ग्राफ बना लेंगे
पूरा और फिर लास्ट में इसको हम इस प्रकार से ये पूरा इसको मिलाते हुए एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक। तो हम रिजल्ट मेंशन कर देंगे कि द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन पीएन जंक्शन डायोड आर शोन इन द ग्राफ पेपर। लास्ट में कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस में सबसे पहला प्रिकॉशंस ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग सर्किट जो है वो केयरफुल्ली उसको बनाना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हम लोग जो पीएन जंक्शन डायोड होता है प्लस से पी टर्मिनल को और एन से निगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, जबकि रिवर्स बायस में उल्टा होता है। तो ये ध्यान देना होगा बैटरी के पोलैरिटी का। नेक्स्ट है टू अवॉइड ओवरहीटिंग द डायोड द करेंट शुड बी नॉट बी पास फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ओवरहीटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें लंबे समय तक ऑपरेटर्स को ऑन नहीं रखना चाहिए। और नेक्स्ट है द वोल्टेज अप्लाइड टू द जंक्शन डायोड शुड बी वेल बिलो द सेफ्टी लिमिट, यानी वोल्टेज सेफ्टी लिमिट के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी फॉरवर्ड बायस के सर्किट में कभी भी रिवर्स बायस का पावर सप्लाई नहीं अप्लाई करना चाहिए, वरना वो जंक्शन ब्रेकडाउन होकर ख़राब होने का चांस होता है, क्योंकि रिवर्स में वोल्टेज 30 वोल्ट के रेंज का होता है जबकि फॉरवर्ड में 1.5 वोल्ट के ही रेंज का होता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे और इस एक्सपेरिमेंट के जो वाइवा हैं उसको मैं एक अलग से वीडियो में कवर कर दूंगा, ताकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।